आज हम सीखेंगे कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श के गद्य भाग से लिया गया पाठ 2 डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक हैं सीताराम से कसरिया। तो सीताराम जी का लेखक परिचय है, 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम से कसरिया का अधिकांश जीवन यानी ज्यादातर जीवन, अधिकांश मतलब ज्यादातर जीवन कलकत्ता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े से कसरिया अनेक साहित्य सांस्कृति और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक संस्थापक संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी करी। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया। सीताराम से कसरिया की विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला, उन्हें विद्यालय की शिक्षा पाने का मौका नहीं मिला। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने स्वाध्याय यानी अपने आप ही पढ़ना लिखना प्रारंभ किया। स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और दो भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। यानी उन्होंने अपने देश के लिए भी आंदोलन में भाग लिया और उसके लिए वो कई बार जेल भी गए। तो अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आजादी की एक अलग जगह दी थी कि अब हमें अपने देश को आजाद कराना है अंग्रेजों से, जिसमें उन्होंने देखा कि किस तरीके से अंग्रेज हमारे ऊपर, ब्रिटिश हमारे ऊपर कैसे अत्याचार कर रहे हैं। तो अब भारतवासियों ने ये ठान लिया कि अब हमें अपने देश को आजाद कराना है। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम मतलब बड़ी लड़ाई, देश को आजाद कराना था, बहुत बड़े संग्राम था ये, बहुत बड़ी लड़ाई थी। तो महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। सर्वस्व मतलब सब कुछ, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंट डे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आजादी के 2.5 साल बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, कब हुआ, 1947 में, उसके 2.5 साल के बाद 1950 में, यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन हुआ। तो हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। तो क्यों ये दिन घोषित किया गया कि हाँ 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम से कसरिया आजादी की कामना करने वाले उन्हीं उन्नत लोगों में से एक हैं। वे दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज करते थे, लिखते थे। तो वो जो भी दिन भर में क्रिया प्रतिक्रिया जो भी देखते थे, जैसा उन्हें महसूस होता था, वो सब कुछ वो अपनी डायरी में लिखते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पार्ट में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। 26 जनवरी 1931 यानी एक साल के बाद, 26 जनवरी 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, फिर ये जारी रहे, कंटिन्यू रहे, तो उसके एक साल के बाद फिर वो दिन आया, फिर उसके लिए तैयारियां की गई और उस दिन क्या क्या हुआ, कैसे कैसे अत्याचार भारतवासियों के ऊपर किए गए, उस सब का लेखा जोखा उन्होंने अपनी डायरी में लिखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे अपना अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिलाओं कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित किया गया है। जब उन्होंने एक साल के बाद फिर से स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सारे भारतवासी इकट्ठे हुए, तो अंग्रेजों को लगा कि अब तो ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारा इंसल्ट कर रहे हैं। तो इतने सारे कार्यकर्ता थे, विशेषकर जो महिलाएं थी, जो औरतें थी, उनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किया गया।
यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं हो जो वह नहीं कर सके। यानी यदि हम सब एक हो जाएं और एक दृढ़ संकल्प करें, एक पक्का वादा करें हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, तो ऐसी कोई सी चीज नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो यानी इतना बड़ा एक वो था कि हमें अपने देश को आजाद कराना है ब्रिटिश से, तो सब एक हो गए बिना किसी डर के कि वो हमारे ऊपर कितने अत्याचार करेंगे, हमें मारेंगे, हमारा बेइज्जती करेंगे, कुछ भी करें। लेकिन सब लोगों ने ठान लिया था कि हमें अपने देश को आजाद कराना है। तो फिर जो 26 जनवरी 1931 का दिन था, उन्होंने किस तरीके से मनाया, क्या वो झंडा लहराया, तो ये सब कुछ इस पाठ में बताया गया है। तो 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। आज के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, यानी उसको दोहराया गया, रिपीट किया गया। तो जब 26 जनवरी 1930 को बनाया गया तो आज उसकी पुनरावृत्ति कब थी, 26 जनवरी 1931 को, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। गत वर्ष मतलब बीते हुए साल, लास्ट ईयर मतलब इतना नहीं था, थोड़ा कम था। अब जो कुछ बच गया था वो सब इसी साल पूरा करना चाहते थे। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपए खर्च किया गया था, प्रचार फेमस उसकी पब्लिसिटी करने के लिए 2000 रुपए लगे थे। लेकिन उस समय 2000 रुपीज की बहुत कीमत थी, उस समय 2000 बहुत थे, तो ये सब प्रचार करने के लिए 2000 रुपए लगे थे। सारे काम का भार अपने समझते थे और अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर घर जाकर समझाया करते थे। हर एक व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था कि मुझे इस काम को करना है, मुझे अपने देश को आजाद कराना है। तो अपने देश को आजाद कराने के लिए जो भी वो करना चाहते थे तो सबके घर घर जाके, जो कार्यकर्ता थे जो काम कर रहे थे, घर घर जाके लोगों को उन्होंने समझाना शुरू किया कि आप लोगों को क्या करना है। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई है। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। गश्त देना मतलब घूम फिर करना, चारों तरफ घूमना, ध्यान रखना। तो बड़ा बाजार जो कलकत्ता का एक बड़ा बाजार है, वहां पे बहुत सजावट की गई थी। कई मकान तो इतने सुंदर सजाए गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे हमें स्वतंत्रता मिल गई हो। और वहीं पुलिस भी बहुत सतर्क थी, वो भी गश्त ले थी, चारों तरफ घूम रही थी, देख रही थी ये लोग क्या कर रहे हैं। मोटर लॉरियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लॉरियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था, इंतजाम किया था घुड़सवारों का। पहले जो सैनिक थे और जो भी ब्रिटिश सरकार थी वो घोड़ों पर ही जाके गश्त लगाया करती थी। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। जो बड़े बड़े पार्क थे, गार्डन से उद्यान थे, मैदान थे, ग्राउंड थे, सुबह से ही भारी पुलिस उस पर लग गई थी। क्यों? कि कोई भी भारतीय यहाँ पे इकट्ठा ना हो सके, कोई सभा ना रखी जाए, कोई मीटिंग ना रखी जाए, इसलिए उन्होंने पूरी फोर्स, पूरी पुलिस वहां पे तैनात कर दी थी। मोनूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। भोर मतलब सुबह, अर्ली मॉर्निंग, प्रातः काल, सुबह से ही पुलिस ने उस पूरे एरिया को घेर लिया था। 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में उसे घेर लिया था। तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, अपना झंडा फहराया, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए,
पर वे भीतर ना जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और दो चार आदमियों के तो सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गुजराती संघ की जो लड़कियां थी उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया उसके अंदर अपने देश को आजाद कराने के लिए। पूरी लड़कियां जुलूस में इकट्ठा होके जुलूस निकालने लगी, लेकिन सबको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया, ये उत्सव क्यों मनाया जा रहा है, क्या चीज है इसमें, ये सारी बातें उनको बताई गई। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया गया था। तो लेखक यहाँ क्या बोल रहे सीताराम जी कि सभी लोग उसके फोटो खींच रहे थे, जो प्रचार हो रहा था, जो सभाएं हो रही थी, जो झंडा लेके जुलूस निकाले जा रहे थे, सबकी फोटोएं खींची जा रही थी और मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, मैं भी फोटोएं खींच रहा था। 2-3 बज गए, कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य पूर्णा दास और पुरुषोत्तम राय थे जिनको अरेस्ट किया गया। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णा दास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्री अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोनूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा, यानी सुबह के समय जो प्रबंध था दोपहर में 1 बजे इतना प्रबंध नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बना कर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी, यानी सभी लोग धीरे धीरे टोली बना के ग्रुप में समूह में आने लगे, योजना बनाने लगे कि आगे का कार्यक्रम कैसे किया जाए। जो बात उस दिन वो एक निराली बात थी, अनोखी बात थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। अमुक अमुक मतलब जो फला फला धाराएं हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो उन्होंने नियम बना रखे हैं, उस नियम के अनुसार यहाँ पे कोई भी सभा नहीं हो सकती है। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टर के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। यानी इंस्पेक्टर ने नोटिस दिया कि अगर तुमने यहाँ पे सभा रखी, यहाँ पे अगर तुमने कोई मीटिंग रखी तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन इस बात का किसी के ऊपर भी असर नहीं हुआ। काउंसिल ने भी एक नोटिस निकाल दिया। क्या नोटिस निकाला कि 4:24 पर ही झंडा फहराया जाएगा, कुछ भी हो जाए लेकिन झंडा कंपलसरी फहराया जाएगा। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, सर्वधारणा की उपस्थिति होनी चाहिए, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। यानी ये चैलेंज था, ये चुनौती थी। उधर वो लोग मना कर रहे थे लेकिन उन्होंने ओपन लड़ाई हो गई, ये चुनौती दे दी, चैलेंज दे दिया कि कंपलसरी हम यहाँ पे सभा करेंगे, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए, उनको चोरंगी पर ही रोका गया। चोरंगी कलकत्ता का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, उसका नाम है चोरंगी, वहीं पे उनको रोक लिया गया। पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर लाठियां पड़ी, सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। मतलब डंडे लगने के बाद भी वो रुके नहीं, वंदे मातरम करते गए और आगे बढ़ते चले गए। ये सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, वे अपनी आंख से देखा है।
पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। मतलब इस समय अपनी आंखों से देख रहा था कितना बुरा माहौल था वहां पे, डंडे पड़ रहे थे, खून निकल रहा था, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था। इतनी लाठियां खाने के बाद भी, खून निकलने के बावजूद भी वो वंदे मातरम कहते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। ये सब कुछ लेखक ने अपनी आंखों से देखा है, ये सब कुछ सीताराम जी ने अपनी आंखों से देखा है। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी, प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे, वॉलेंटियर मतलब स्वयं सेवक, वॉलेंटियर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, स्वयं सेवक जो वहां पे गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। यानी उनको कितनी भी लाठियां पड़े, कितना भी मारे, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हटे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर के बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली, साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई। ठंडी पड़ गई मतलब ढीली पड़ गई, वो थोड़ा सा लूज हो गई कि अरे अभी छोड़ो। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गई। जो जुलूस टूट गया, क्यों टूट गया, क्योंकि लाठी चार्ज होने लगा। तो कुछ जो स्त्रियां थी, जो औरतें थी, वो वहीं पर धरने पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वह वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती जा रही थी। यानी लड़कियां, जो स्त्रियां, जो औरतें जो उसमें भाग लिए हुई थी, वो वहां से जाने को तैयार नहीं थी। लाठी चार्ज हो रहा था, सब लोग इधर उधर हो गए, लेकिन कुछ महिलाएं उसी जगह पर बैठ गई तो पुलिस ने पकड़ के उनको लॉकअप में डाल दिया। इस प्रकार करीब 1.25 घंटे के बाद पुलिस की लोरी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रजलाल गोयनका का, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोनूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा। मतलब इतना जोश था उसके अंदर, वंदे मातरम वंदे मातरम ऐसे दौड़ा कि वो अपने आप ही खुद गिर गया जोश के कारण। और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी और फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां गिरफ्तार हो गया। मदल असा भी पकड़ी गई। तो मदल असा कौन है? जमुना लाल बजाज और जानकी देवी की पुत्री। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया। उसने बताया, मदलसा ने, कि जब वो पकड़ी गई और उसको भी जेल में डाल दिया गया तो उसने बताया कि कितना अत्याचार हो रहा है और उनको थाने के अंदर भी, जेल के अंदर भी मारा जा रहा है। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए और बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 68 आदमी वहां आ चुके थे, बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुंचे और जो लोग घरों से चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लोगों में स्त्रियों की संख्या 105 थी। कितने लोग पकड़े गए, कितने छोड़े गए, कितने जग, इस संख्या का पता नहीं चला, लेकिन बहुत अधिक संख्या में ही अत्याचार हुआ। बहुत सारी संख्या में लोगों को पकड़ा गया। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। अपूर्व हुआ मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा घटित हुआ यहाँ पे जो पहले कभी भी नहीं हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था, कलंक मतलब धब्बा,
एक बैड नेम था उन लोगों का कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वे आज बहुत अंश में धुल गया। मतलब आपने कहा कि कलकत्ता वासियों ने कितना ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया, कितना उन्होंने इसमें सहयोग दिया, हर एक व्यक्ति उसमें भाग ले रहा था। तो जो उनके ऊपर कलंक था कि कलकत्ता वासी देश की स्वतंत्रता के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे, तो बहुत हद तक, कुछ अंश तक वो जो कलंक, जो धब्बा उनके ऊपर था कलकत्ता वासियों के ऊपर, बहुत हद तक वो धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। तो लोगों की आशा बंधी कि यदि हम चाहते हैं इस काम को करना, कि हम अपने देश को आजाद कराना चाहते हैं या कोई भी काम, तो इससे हमें ये मिलता है कि यदि हम अपने मन में ये ठान लें कि हम इस काम को कर सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति हमें रोक नहीं सकता उस काम को करने के लिए, है ना। तो जीवन में अगर हम अपने आप से एक दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन में इस काम को कर सकते हैं, तो हम कितने भी बड़े से बड़ा काम, मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर सकते हैं। तो जो कलकत्ता वासियों के ऊपर जो कलंक था, वो कलंक आज इस संग्राम के बाद थोड़ा सा धुल गया।